और आज हटिया विधानसभा के अंतर्गत तो विजय संकल्प सभा सा कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और युवा से लेकर महिलाएं कार्यक्रम में नजर आई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सम्मानित होकर तमाम कार्यकर्ताओं को उत्साहित दिखे और कहीं ना कहीं ये रणनीति भाजपा को विधानसभा में फायदा पहुँचा सकती है। देखिए, ऐसे तो 53 विधानसभा में हम लोग लीड किए हैं इस बार, और सबसे बड़ी बात है शिवराज चौहान जी जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को उत्साह कैसे बढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण रहा, इसलिए उमामा जी के नाम पे बहुत फेमस भी हैं। और हमारे कार्यकर्ता बूथ के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष जितना मेहनत करते हैं और हमारा जो बूथ को लीड करते हैं, तो उनको कार्यकर्ताओं को सम्मान देने से एक उत्साह भी आया है। और हम 53 विधानसभा में आगे हैं और आने वाला समय में 2 महीना के बाद जो चुनाव हो रहा है, 81 विधानसभा में हम लीड करेंगे और हमारे अपनी सरकार भी बनाएंगे। देखिए, आपने अभी इस कार्यक्रम में देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह का माहौल था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान आज के तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय, आप देखेंगे पूरे टर्म में मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी लगातार बहुत ही सराहनीय कार्य माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को आपने सुना होगा, तो लगातार उन्होंने उन चीज़ों को बताने का काम किया कि किस तरीके से झारखंड की सरकार लगातार युवाओं को भी ठग रही है, रोजगार के नाम पर महिलाओं को ठग रही है। और हर पहलू पे अगर आप देखिएगा तो ये सरकार जेएमएम कांग्रेस और सोरेन परिवार की जो सरकार है, ये टोटली फेल है। माननीय हमारे प्रभारी जी ने सभी को वो बताने का काम किया और लोगों से को से अपील भी की कि लोगों तक जाइए और उस चीज़ को बताने का काम करें। साथ ही साथ आपने देखा होगा, सबसे पहले एक छोटी बच्ची काफ़ी देर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रही थी। आप समझिए कि कितना संवेदनशील हमारा प्रभारी है कि उन्होंने देखा और उस लड़की को, छोटी बच्ची को मंच पे बुलाकर सम्मान देने का काम किया। तो ये भारतीय जनता बहुत अच्छा लग रहा है, एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा सम्मानित होना एक बूथ कार्यकर्ता को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, आगे मेहनत करने का उन लोग और अच्छा लगेगा, परिश्रम करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा। बहुत ही सुखद पल, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा? एकदम होगा, झारखंड में फुल बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी का।